आइए मैडम, ये फ्लैट देखिए, बिल्लू भाई का सबसे फेवरेट फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड। आप बस आइए और शिफ्ट हो जाइए। भैया ये तो दो रूम है। हाँ भैया, हमने तो सिंगल रूम बोला था और ये तो हमारे बजट के बाहर होगा। अरे मैडम, बिल्लू भैया कुछ बाहर नहीं जाने देंगे। आपका एक कमरे का बजट है ना? बोलो हाँ। हाँ। तो मैडम आप एक कमरे में रहो ना, दूसरे पर तो वैसे भी ताला लगा हुआ है, जब कोई किराएदार मिलेगा उसे वो रूम दे देंगे, सिंपल। अरे भैया यहाँ पानी वानी तो आता है ना? अरे दीदी एक बार बारिश आने दो, पानी पानी होगा पूरे फ्लैट में। है? क्या मतलब? मेरा मतलब है बहुत पानी आता है, सावर के नीचे खड़े हो जाओ बारिश की तरह पानी आता है। लेकिन भैया ये फ्लैट देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत टाइम से बंद है। अरे दीदी खुला छोड़ेंगे तो चोरी हो जाएगी ना, इसलिए बंद तो करना पड़ेगा। अच्छा हाँ है? क्या बोला? अरे तू उसको छोड़, तू ये फ्लैट देख, हमारी बजट में हमें दो रूम का फ्लैट मिल रहा है, मस्त मजे आएंगे। हाँ यार, पर बिल्लू भाई ने बोला कि सिंगल रूम ही यूज करना है। अरे एक बार इस घर में शिफ्ट हो गए तो रोज रोज कौन सा बिल्लू भाई हमें देखने के लिए आ रहे हैं। मस्त दूसरे रूम का ताला तोड़कर उसमें रहेंगे। और भैया इसकी साफ सफाई। कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ है कॉकरोच? अरे मैडम चला जाएगा, आपने तो बेकार में डरा दिया। भैया गया क्या? हाँ दीदी चला गया। पर भैया आप भूत भूत क्यों चिल्ला रहे थे? यहाँ पर कोई भूत है क्या? भूत भूत नहीं बोला, बूट बोला, बूट जूता फेंक के मारने को बोला। अच्छा ओके, वो सब छोड़ो दीदी, आप बताओ फ्लैट कैसा लगा? भैया फ्लैट तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम एक रूम का ही रेंट देंगे जैसे पहले डिसाइड हुआ था। yes! अरे दीदी बेफिक्र हो जाओ, आप बस डिपॉजिट दे दो और आज ही शिफ्ट हो जाओ, सामान तो लेकर ही आयो। जय हो, आपके पास मेरा नंबर तो है, अगर कभी कोई दिक्कत हो ना मुझे कॉल मत करना। क्या मतलब? रात में कॉल मत करना, दिन में कर लेना। नमस्ते जी, नमस्ते। बिल्लू आई की मौज है, दिल्ली का सबसे हॉन्टेड हाउस रेंट में चढ़ा दिया बिल्लू आई ने। बिल्लू आएगा तो लेवल ही अलग है। यार इसकी सफाई करते करते तो एक महीना निकल जाएगा। अरे यार सफाई तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे, पहले इस दरवाजे का ताला तोड़ते हैं। एक रूम तेरा एक रूम मेरा। हाँ हाँ चल चल। यार ये लॉक तो बहुत मजबूत लग रहा है, इसको कैसे तोड़ेंगे? यार एक आइडिया है, हेयर पिन दियो अपनी। अरे यार यहाँ पे एक गेट का लॉक नहीं खुल रहा है और तुझे हेयर स्टाइल बनाने की लगी हुई है। एक काम करती हूँ, मेकअप किट ला देती हूँ, रिंग लाइट भी ला देती हूँ, नाच ले, रील्स बना ले यहाँ पे। पागल है क्या, लॉक खोलने के लिए पिन मांग रही है? ओ अच्छा अच्छा एक मिनट, ये ले। क्या हुआ? अबे करंट लगा। फिर शुरू कर दिए तूने बहाने बनाने, अगर तुझे कोई काम नहीं करना तो डायरेक्ट बोल ना। ला इधर ला। करंट लगा। क्या पता दरवाजे के पीछे कोई वायर लगाओ जिससे हमें करंट लगाए। एक काम करते हैं, हम कुछ और ट्राई करते हैं, मैं कुछ ढूंढ के लाती हूँ। ठीक है। खुले नहीं रहा। एक काम करते हैं, गरम करके पिघला देते हैं इसे। हाँ एक मिनट।
यार ये तो खुल ही नहीं रहा है। छोड़ यार, आज हम सफाई कर लेते हैं, कल लॉक वाले भैया को बुला के इसको खुलवा देंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो चाबी लग रही है। वाह बहुत बढ़िया, कितना इंटेलिजेंट जवाब दिया ना, ये तो मुझे भी दिख रहा है चाबी, लेकिन ये है किस चीज की, कहाँ की? कहीं ये उस दरवाजे की चाबी तो नहीं है? चला ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करते हैं। चल यार, हमें ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हमें इस रूम की भी सफाई करनी पड़ेगी ना अब। अच्छा वो देखो पेंटिंग। चल छोड़, चल डिनर करते हैं। ब्रश तो कर लिया फटाफट, फेस वॉश करके और खाना खाने जाती हूँ, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी टूथपेस्ट और ब्रश कहाँ चली गई? मैंने तो यही रखी थी। स्वीटी अगर तू प्रैंक कर रही है तो मत कर, मेरे को डर लग रहा है। वो किचन में खाना और बॉटल गायब, वॉशरूम में भी टूथपेस्ट गायब। कुछ तो गड़बड़ है नैन्सी इस घर में। चल चल कर सो जाते हैं, सुबह उठकर किसी को बुलाकर चेक करवा लेंगे। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है, तो आज साथ में सो जाते हैं तेरे रूम में। ठीक है चल। नैन्सी हमारा ब्लैंकेट कहाँ गया? पता नहीं यार, अभी तो यही था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आवाज कैसी है? चल देखते हैं। हम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? हम तुम्हें देखकर चिल्ला रहे हैं। तुम भूत हो ना? लो जी, तुम मुझे देख के चिल्ला रहे हो और मैं तुम्हें देख के चिल्ला रहा हूँ। अरे हाँ जी मैं भूत हूँ, और चिल्ला तो ऐसे रहो जैसे कभी पहले भूत ना देखा हो। हैं? हाँ हाँ नहीं देखा पहले कभी भूत। क्यों, खुद को कभी पहले बिना मेकअप के शीशे में नहीं देखा? ओए तू ज्यादा बोल रहा है, बताओ अभी तुझे।
सॉरी सॉरी। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुड्डू है और मैं एक भूत हूँ। भूत? तुम भूत कैसे बने और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे सब्र करो, बता रहा हूँ क्यूटी, और डरो मत, मैं तुम्हें हार्म थोड़ी करूँगा। और वैसे भी सारे भूत इसके लिए नहीं होते, कुछ को तो मजबूरी में भूत बनना पड़ता है, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी ऐसे चेहरे पे मेकअप लगा के घूमने का। तो ये बात है कई साल पहले की, 2021 की। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्त, हम लोग यहीं रहते थे इस फ्लैट में। अब एक दिन हमारा प्लान बना गोवा जाने का, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गोवा जाने का प्लान बना हो और वो कैंसिल ना हुआ हो। हमारी कैब गेट पे आ चुकी थी और हम गोवा के लिए निकल ही रहे थे, तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं अपना चार्जर तो ऊपर रूम में भूल आया। तो मैं ऊपर रूम में गया अपना चार्जर लेने के लिए, तभी पीछे से मेरे रूममेट ने मुझे अंदर ही लॉक कर दिया और वो सब लोग गोवा चले गए, और तब से मैं इस रूम में अंदर बंद पड़ा हूँ। फिर क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने वापस आकर आपको बाहर निकाला? नहीं, जैसी वो लोग गोवा पहुंचे कोरोना का लॉकडाउन लग गया और मोनू सूद ने सबको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उनके घर भेज दिया, और मैं यहाँ बंद हो गया और फिर मैं भूत बन गया। क्या तुम इतने टाइम से अंदर ही बंद थे? तो अपने फोन से किसी को कॉल कर लेते ना। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड स्नैपचैट पे कुत्ते वाला फिल्टर लगा के फोटोज खींच रही थी, तो मेरा फोन भी उसी के पास रह गया। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं किसी फ्रेंड ग्रुप के साथ गोवा जाऊंगा। मेरी लाइफ का आखिरी गोवा प्लान भी कैंसिल हो गया। और तुमने हमारा सामान क्यों चुराया? ए, क्या लड़की है ये, तेरे को अकल वक्ल नहीं है क्या? इतने सालों से अंदर कमरे में बंद हूँ तो क्या भूख नहीं लगेगी मेरे को? और बिना ब्रश ये खा लूँ मैं है? और आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है, मैंने सोचा मैच देख लेते हैं। मैच के बच्चे, हम यहाँ पर डरे पड़े थे और तुझे एंजॉय करने की पड़ी थी। और बीच को मजा चखाते हैं। छुप गया कहीं अंदर जाकर। एक काम करते हैं, उसको दोबारा बंद कर देते हैं इसी रूम में। हाँ, तू बंद कर, वापस कहीं करंट लग गया तो साथ में करते हैं ना। ठीक है। यार ये कैसा भूत है जिसको गोवा में जाके आजादी मिलेगी? वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा फट्टू भूत तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। सही कह रही है, इसको तो मैं कान पकड़ के टॉयलेट में ही भाग दूं फ्लश करके। हेलो। हाय बेबी। हाय बेबी, हम ना गोवा जा रहे हैं और मैंने सबकी टिकट करवा ली है। गोवा? गोवा? गोवा! तू फिर आ गया, तू बाहर कैसे आया? अरे बेबी, लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब बाहर आ सकते हैं। अरे अब रूम का लॉक ओपन हो गया है तो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तेरी तो मैं आज टांगे तोड़ दूंगी। बेबी मैंने क्या किया? नहीं, मुझे तो बस गोवा जाना है। मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ गोवा। यार बेबी, मेरे को नहीं लेके जाओगे तो किसको लेके जाओगे? वैसे जा किसके साथ रही हो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या, तुमने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया? वाह बेबी वाह। अरे नहीं नहीं बेबी, मैं आपको नहीं कह रही थी, वो तो मैं भू अच्छा कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो। बेबी मैं और नैंसी रेडी है चलने के लिए, आप कल सुबह 10 बजे आके हमें पिक कर लेना हमारे फ्लैट से। ओके। ये गोवा इज गॉड। मेरे क्यों मार रही है? चल वो छोड़, कल तो हम गोवा जा रहे हैं। जल्दी से पैकिंग करते हैं। कल हम इस भूत को उसी रूम में लॉक कर देंगे जिसमें ये पहले से कैद था, फिर देखते हैं ये हमारा प्लान कैसे खराब करता है। कैमरा रख लिया तुमने? हाँ रख लिया। और उसकी बैटरी? रख ली। चार्ज कर ली थी? और मेमोरी कार्ड? हाँ रख लिया। ठीक है, परफेक्ट। नैंसी जल्दी कर, नीचे कैब आ गई है, जल्दी से लॉक करके आ। ओ शिट, मैं अपने फोन का चार्जर तो अंदर ही भूल गई। अरे एक सेकंड रुको, मैं लेके आया अभी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अपना फोन दे जाओ। हाँ, मेरे हाँ, फोन का ना कैमरा अच्छा नहीं है, मैं स्नैपचैट पे थोड़ी सी फोटोज खींच लेती हूँ।
फाइनली मैं आजाद हो गया और एक नया बकरा इस हॉन्टेड रूम में फंस गया। अब मैं चला गोवा। पार्ट टू देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कमेंट तो हो गया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संजाली का ब्लॉग। बाय बाय।